जी ओम, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। समझो, हाथ का प्रॉब्लम है। हाथ, हाथ में क्या प्रॉब्लम है? सीने में दर्द, थोड़ा हटने से हाथ झिझलाता है, आदि होता है। हाथ में या हार्ट में? हार्ट, हार्ट, हार्ट में, हाथ में वहाँ ब्लॉकेज, ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है। हाँ, तो देखिए, हार्ट में जब ब्लॉकेज होता है तो उसका असर यहाँ तक भी आता है, उसका असर ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। हार्ट के ब्लॉकेज के लिए लोग ये कहते हैं कि भाई आपको तो बाईपास कराना पड़ेगा, आपको तो एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, स्टंट डलवाना पड़ेगा। फिर किसी को हार्ट के ब्लॉकेज के साथ साथ में इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट की जो कार्य पद्धति है, करेंट हार्ट का जो है ना, वीक हो जाता है। अब देखो, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात मैं बता रहा हूं कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में रहना बहुत जरूरी है ठीक से। उसके लिए नेचुरोपैथ में अलग प्रकार की पंचकर्म, षटकर्म की, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन और अलग अलग प्रकार के तेल, अभ्यंग की, ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। योग में अलग अलग प्रकार के पोश्चर्स, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करवाए जाते हैं। आयुर्वेद में भी केसर से लेकर के शिलाजीत से लेकर के च्यवनप्राश से लेकर के अश्वगंधा से लेकर के ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो हार्ट के लिए भी, अब हार्ट में एक तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हो, जो अंदर ब्लॉकेज हो गया वो निकल जाए, एक तो लौकी का जूस पिया करें, अर्जुन की छाल और हृदयामृत दो दो गोली ले लिया करें, और कपाल भांति अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा आधा घंटा करना शुरू कर दें। और जब भी आपको खाना खाना है तो आप लौकी की सब्जी खाइए। आप ये प्रयोग एक महीने कर लीजिए कि खाने में लौकी की सब्जी और सुबह शाम लौकी का सूप या जूस, जहाँ थोड़ा सा बहुत ही ठंडा वातावरण है तो वहाँ लौकी का सूप पी लें। क्या जूस में गुण तो अच्छे होते हैं लेकिन वो ठंडा होता है थोड़ा, तो जिनको अर्थराइटिस है, अस्थमा या ठंडी ज़्यादा है तो ना पिए जूस, थोड़ा सूप बना लें, उसको गर्म कर लें थोड़ा सा, और क्या है। तो लौकी से, हृदयामृत, अर्जुन की छाल से और प्राणायाम करने से हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं 99% लोगों के। मैंने सबसे पहले रमेश शर्मा एडवोकेट को ठीक किया था, उसकी पहले बात की एंजियोग्राफी, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये बात जिम्मेदारी का काम है कि मैं किसी को बोल दूँ कि तुम्हारा हार्ट अच्छा हो जाएगा और पता लगा उसको हार्ट अटैक होकर उसकी डेथ हो जाए तो एक जीवन का अंत हो सकता है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि आपको कोई भी मैं बात बताऊँ उसमें गंभीरता हो, प्रामाणिकता हो, एविडेंस बेस्ड हो। जब मेडिकल साइंस में कोई भी बात बोली जाती है तो बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, एविडेंस बेस्ड बात बोलनी चाहिए। तो मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, ये प्रयोग मैंने हजारों लोगों पर किए हैं, श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाषण जी महाराज और हमारे सारे वैद्य पूरे देश भर में ये प्रयोग करते। हम प्राणायाम करा करके, ये जो उपचार बताए इसको करा करके हमने लाखों लोगों को हार्ट के ऑपरेशन से बचाया। इसी तरह से गर्दन के, कमर के, घुटनों के ऑपरेशन से, लीवर किडनी के ऑपरेशन से हमने लोगों को बचाया। तो वो आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, उसको कीजिए। ये हार्ट के लिए पॉइंट होता है छोटे उंगली के नीचे, यहाँ पर, यहाँ दबाने से हार्ट अच्छा होता है, यहाँ दबाने से आँख अच्छी होती है, यहाँ दबाने से थायराइड, यहाँ दबाने से पेट, यहाँ दबाने से गला, यहाँ दबाने से आते, यहाँ दबाने से पेनक्रियाज, यहाँ दबाने से फेफड़े, यहाँ से फिर एक किडनी, लास्ट में पॉइंट ज़रूर दबाना चाहिए छोटे उंगली के ऊपर या हथेली के बीच में, ये यहाँ दबाने से माइग्रेन पेन, अंदर दबाने से और ज़्यादा सिर दर्द, इधर दबाने से कमर दर्द, पीछे के दबाने से पूरे मस्कुलर पेन ठीक होते हैं, ये पीछे जो पॉइंट होते हैं, और इस अंगुली के ऊपर दबाने से तो कमर दर्द एकदम ठीक हो जाता है। यहाँ से दबा दिया इसको दोनों तरफ से, और यहाँ पहले उंगली के पीछे से यहाँ से दबा दिया, इससे एकदम अच्छा हो जाता है। खैर, तो मैंने हार्ट के लिए आपको बता दिया, साथ में और भी एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट हम बताते रहते हैं। इसी को मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा भी हम कहते हैं। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा और एक जो स्वस्थ जीवन पद्धति है उसके बारे में हम आपको बार बार बताते रहते हैं।